सही हो गया, ठीक हो गया। और ये हम जी अल्लाह से मेरे साथ, और चलते हैं चकबेली की तरह सैर कर दिया। आइए, इस वक्त हम आए हैं जी चकबेली में, और चकबेली शहर भी थोड़ा आपको दिखाता हूँ। आपने शायद देख रखा होगा, नहीं देखा तो आज आपको दिखाया जाएगा। ये चकबेली रोड पे खड़े हैं आज मेरे साथ अन्नस है, और ये जगह है जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर मैं गिरा था। पर आज फिर मैं अपने घोड़े पे, उसी घोड़े पे जो गिरा था, दोबारा आज यहाँ पर आया हूँ। यहाँ चकबेली में ज़्यादा आपको ज़रा खेत नज़र आएंगे, हरियाली नज़र आएगी, और बाज़ार भी आगे बड़ा अच्छा है, वो भी आगे दिखाता हूँ। किसी काम से मैं आया था तो मैंने सोचा कि आज चकबेली का व्लॉग ही बना लिया जाए, तो चकबेली का व्लॉग आज आप देखने जा रहे हैं। वेलकम टू द, तो सबसे पहले आते ही वो काम करेंगे जो सारे करते हैं कि आगे यहाँ की बिरयानी जस्ट टेस्ट करेंगे। और ये आपको जो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है चकबेली का बाज़ार, काफ़ी तंग है। बिरयानी इज हियर और मिस्टर अनिल इज हियर, और हम हैं यहाँ, शुरू करते हैं। चकबेली खान की कुछ जगह यहाँ पर मैंने दिखाई है, लेकिन चकबेली खान का जो इर्द गिर्द का इलाका है वो सारा का सारा जो है वो कुछ इस तरह का, आ रहे होंगे पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा चट्टाने हैं छोटी छोटी, तो बस एक रोड है जो तो इसके बीच में से निकल रही है, तो इसकी मोटर बन गई है। ये रोड सीधी जा रही है चकवाल की तरफ, चकबेली खान से आगे रोड चकवाल जाती है, और चकवाल से फिर आपको पता है कि मोटर वे वगैरह पे आप जाके कहीं और भी जा सकते हैं। तो इस जगह की खसूसियत ये, तो यहाँ पर जो मैं अभी रुका हूँ जिस पॉइंट को देख के, वो ये कुछ दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी वजह से मैं यहाँ पर रुका हूँ। अगर आप, मैं थोड़ा पीछे जाऊं, आप थोड़ा आगे आएँ, तो एज यू कैन सी ये एक बहुत ही कमाल का एक किस्म का व्यू बना हुआ है। वैसे अगर एक तरतीब में अगर आप देखें तो आपको सारे के सारे बगैर पत्तों के, बगैर किसी सब्जी के, हरियाली के दरख्त खड़े हुए नज़र आएंगे, और बहुत ही कमाल किस्म के ये दरख्त यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हेलमेट मैं नहीं उतार सकता क्योंकि अभी दोबारा से मैंने बाइक पर बैठने और आगे वापसी का सफ़र लेना है। तो ये जो आपको जो आज झलकियाँ मैंने दिखाई हैं, ये चकबेली खान की थी, दो चार खाने आपको दिखाए मैंने, और बाकी जो चकबेली खान के बीच में से हम गुजरे वो जगह मैं आपको दिखाई। तो ये चकबेली खान है। इसके बारे में और ख़ास बात ये है कि जो मैंने आपको वीडियो में एक दिखाया था अंगूर, तो इधर पीछे नज़दीक ही चकबेली के इर्द गिर्द बहुत से बागात हैं जहाँ पर जो है इस तरह के फल सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, जिनमें से बेहतरीन जो है सबसे आला यहाँ पर जो फसल होती है वो अंगूर की होती है, और अंगूर के बहुत बड़े बड़े बागात यहाँ
इर्द गिर्द में फैले हुए हैं। तो फिर कभी हम आएंगे और खास करके अंगूर के बागात की वीडियो बनाने। अनस भाई हमारे साथ है कैमरा उठाए हुए, तो कैरेट गोस्ट अनस के उन्होंने हमारी इतनी वीडियो रिकॉर्ड की है। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल बैक साइड पे गाड़ियों की हम तरफ चल रही है, तो अभी हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ। और जो भी चकमेली खान के एरिया में आपको चीज़ नज़र आती है तो हम दिखाते हैं, तो बाकी जो मैंने कहा बता दिया हुआ है। होपफुली आपको मेरा इलाका चकमेली खान जिस रोड पे मैं रहता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा, और आपने इसका भी नाम बहुत सुना होगा, अगर सुना था आज आपने देख भी लिया। थैंक्स, सी यू। ले लूँगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। भाई ये ऊँट लेके किधर फिर रहे हो? दूध बेच रहे हो? दूध बेच रहे हो, किस तरह देते हो? किलो किलो ताज़ा निकाल के सामने देते हैं। 200 रुपए ताज़ा निकाल के हैं। यार बीमारी के लिए फायदेमंद दूध है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहाँ से आ रहे हो? पंजाब से हैं। पंजाब से आए हो, सही है, बहुत आला बहुत आला, बेहतरीन हो। सर बिल्कुल जरती से तो हमारे पंजाबी भाई आए हुए हैं यहाँ पर और 200 रुपये का किलो दूध दे रहे हैं अपने ऊँटों का, ऊँटनियों का। और अन्नस से मैंने पूछा भाई तूने दूध पीना कि नहीं पीना, कहता यार गोलगप्पे खा लेंगे ऊँटनी का दूध नहीं पियेंगे। तो ये सीन है, शाम हो चुकी है, पूरा दिन गुजार दिया हमने चकबेली के अंदर ही, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे लगते हैं हमें वहाँ जाने में, तो तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं जाने में, तो 2 लग गए आने में, दिन तो गया ना पूरा गुजर गया। चटनी नंबर 1, चटनी नंबर 2, ये है जनाब हमारे अनस भाई जान की तरफ से एट पार्क पेरिस समवेयर नियर बाय, कितने हुए जर्की पता नहीं, हाँ जर्की नाम सुना था यहाँ पर है जी। तो यहाँ पे ज़रा हम चस्का लगाने लगे हैं, थोड़ा डिले हो गया लेकिन कोई बात नहीं। भाई जान ये कावा नहीं है? ओ भाई जान चटनी है, मीठी है, खट्टी है, हैं? आए हाय चस आ जाएगी हैं इधर, पता नहीं ज़रा कैसी है। कैसी है भाई जान, ये क्या निकला बीच में से? मिर्च भैया, ना आप इस तरह पी जाएंगे आला क्या सारी तो साफ करें अपने, शाबाश। तो हेलमेट पहनने के बाद बालों की हालत कुछ ये हो जाती है जी, इसके लिए माजरत आपके सामने। और हमारे गर्मा गर्म ठंडे ठंडे गोल गोल गप्पे आ चुके हैं, इसको पानी पूरी भी कहते हैं। कितने हुए गिन लेना? 12 दर्जन मंगवाए जी हमने। और जो साहब क्या सीन है अब शुरू करो। बिस्मिल्लाह। तो गोलगप्पे को पानी पूरी भी कहते हैं, खाने का तरीका क्या है बताया जाएगा। पहले आप जरा इसको यहाँ पर पूरा डूब गया, मुंह थोड़ा आगे कर लें बिल्कुल बास करके। मसाले वाले नहीं है, पैकिंग अच्छी है। हेडिंग टुवर्ड दिस